है नौ और तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत और मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज से स्कूल कॉलेजेस पढ़ाई के लिए खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को आज से खोला जा रहा है, जबकि उत्तराखंड में प्राथमिक कक्षाओं से 12वीं क्लास तक के स्कूल्स को खोलने का फैसला लिया गया है और इस संबंध में दोनों राज्यों की सरकारों ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी। स्कूल और कॉलेजेस में कक्षाओं का जो संचालन है वो कोविड गाइडलाइंस के तहत ही किया जाएगा। इसी दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी और सभी छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही स्कूल परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना जरूरी होगा। तो ये नई गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना होगा। क्लास 9 से जो ऊपर की क्लासेस हैं, 9वीं से 12वीं तक की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के अंदर स्कूल्स खुल गए, कॉलेजेस भी खुल गए। तो आज से उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल जाकर पढ़ पाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। मयंक हमारे साथ है, श्याम हमारे साथ है, रामानुज हमारे साथ है, तमाम और सहयोगी भी, संकल्प भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हम संकल्प का ही रुख करते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, वाराणसी की अगर बात की जाए तो चूंकि अब स्कूल तो खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल पहुंच भी चुके होंगे, तैयारियां किस तरीके की स्कूल्स में नजर आ रही हैं आपको कोविड गाइडलाइंस को लेकर खासकर? देखिए, तैयारियां बिल्कुल पर्याप्त हैं और कहीं ना कहीं छात्रों में उत्साह है। आज काफी दिनों बाद स्कूल पहुंचे हैं और सबसे पहले सरस्वती वंदना की जा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे, तमाम छात्रों के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। स्कूल के अंदर पहुंचने पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही ना रहे और सरस्वती वंदना की जा रही है इस समय यहाँ पे, और तमाम छात्र माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आज तमाम छात्रों का कहना है कि आज क्योंकि वसंत पंचमी के बाद वो स्कूल पहुंचे हैं और सरकार की तरफ से ही रियायत दी गई है और ऐसे में वो लोग भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना रहे। तमाम छात्रों के चेहरे पे मास्क है और ये जो उचित दूरी का ख्याल रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं किस फॉर्मेशन में जो इनको खड़ा किया गया है। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं उत्साह की लहर छात्रों के अंदर है और फिलहाल जो है प्रार्थना का समय है, तो फिलहाल तमाम छात्र प्रार्थना कर रहे हैं और ये जो टीचर्स भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह के की अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं हो रहा है तो वहां पे तमाम टीचर्स इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कराया जाए। ऐसे में आज जब स्कूल खुले हैं छात्रों में उत्साह सुबह से ही देखा जा सकता था, तमाम छात्र अपने घरों से पहुंचे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर संकल्प, काफी समय बाद स्कूल पहुंच रहे हैं तो उत्साह होगा यहाँ पर, लेकिन अच्छी तस्वीर, बेहतर तस्वीर यहाँ पर इस स्कूल से नजर आ रही है कि हर एक बच्चे के चेहरे पर मास्क जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम और सहयोगी भी बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। बिल्कुल, चूंकि इस वक्त शुभम भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। शुभम, अभी आप क्या तस्वीर वहां से देख रहे हैं? स्कूल्स खुल गए हैं, कोविड की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है कि नहीं, जरा दिखाइए तस्वीर वहां से। जी बिल्कुल, देखिए कि आज कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जा रहा है और इसी के तहत हम राजधानी लखनऊ के विद्यालय में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये क्लासेस हैं और क्लासेस में खास तौर से बच्चों को मास्क के लिए सबसे ज्यादा कहा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सामने बच्चे देख सकते हैं आप, क्योंकि साफ तौर पर सरकार की तरफ से संक्रमण कम होने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे और जो यूनियंस हैं उनकी तरफ से भी ये दावा किया गया था कि स्कूल खुलने के बाद इन गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ही साथ बच्चों को खास तौर से इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरह से संक्रमण ना फैले। ऐसे में साफ तौर पर तस्वीर अभी ज़मीन पर यही दिख रही है, तमाम जो रूल्स हैं गाइडलाइंस उनका पालन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कक्षा 9 से 12वीं के बाद क्या कम क्लासेस के भी जो स्कूल्स हैं वो खुलेंगे या फिर उनकी भी वर्चुअल क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी। प्रेयर्स ज़्यादा, जो सुबह का जो प्रेयर का टाइम होता है वो खास तौर से असेंबली इग्नोर की जा रही है प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी सभी स्कूलों में, क्योंकि एक जगह पे कम से कम गैदरिंग हो, ये इस मोटिव के साथ आज स्कूल खोले गए। तो ऐसे में बिल्कुल, और शुभ में चीज का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि गैदरिंग जो है वो कम से कम चीजों को ध्यान, और बच्चे जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। हमारे साथ तमाम और सहयोगी भी बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज भी हमारे साथ बने हुए, रामानुज के पास चलते हैं। रामानुज, तस्वीर दिखाएगा जरा, और क्योंकि कुछ बच्चे भी आपके पीछे नजर आ रहे हैं, अगर बातचीत भी कर पाए कि कितना बेहतर अब वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि अब अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, स्कूल में भी आ गए हैं।
बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार ने आज से स्कूल खोलने का जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक स्कूल खुल भी चुके हैं और 9:30 बजे से जो क्लासेज हैं वो शुरू होंगी। अभी तक आपने और हमने सब ने यही देखा कि ऑनलाइन क्लासेज होती थी, अब फिजिकल क्लास आज से शुरू हुई है। आप देखिए कि अब जो छात्र आए हैं वो स्कूल में पहुंची हैं और जो सरकार ने आदेश जारी किया है, चाहे मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का स्कूल में और दूसरी गाइडलाइंस का, उसका किस तरह से पालन होगा वो भी करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट से उनसे बात भी कर लेते हैं कि आज बताइएगा, आज स्कूल खुला है, अब काफ़ी दिन के बाद आप लोग आए हो, तो कैसा लग रहा है कि जो आपकी डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करोगे? सर, स्कूल खुला है तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम सारे नियम का पालन करेंगे, मास्क लगा के आएंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करेंगे और हम अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे क्योंकि हमारे पेपर हैं। तो अब अच्छा लग रहा है स्कूल आकर के, और आज से पढ़ाई होगी और टीचर के साथ में बैठोगे, जो भी आपके विषय हैं उसको पढ़ेंगे? यस सर, अच्छा लग रहा है, हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे अब। बिल्कुल, बच्चे यहाँ पर काफी उत्साहित दिख रहे हैं, बताती है कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है कोविड के गाइडलाइंस का। श्याम भी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ है, श्याम कानपुर से क्या तस्वीर? देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से कानपुर में भी स्कूल खुल चुके हैं और 9वीं से 12वीं आगे की क्लासेस स्कूल खुले गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, हम सनातन धर्म विद्या मंदिर स्कूल में खड़े हुए हैं और यहाँ पर क्लास चल रही है। किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छात्रों को दूर दूर बैठाया गया है और छात्र जो भी हैं वो सभी मास्क लगाए हुए हैं, टीचर भी मास्क लगाए हुए हैं, और क्योंकि काफी दिनों के बाद स्कूल खुले हैं और बच्चे आज यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी फिजिकल क्लासेस आज शुरू हो गई हैं और इन्होंने पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया है। बच्चों से ही बात करते हैं कि किस तरीके से इनके घर में रह करके ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी और आज जब स्कूल खुल गए तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं स्कूल खुलने के बाद? आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज इन ऑनलाइन क्लासेस इट वॉज रियली टिपिकल when teachers it is really typical to understand in online classes but in physical classes I think it is we understand better. ऑनलाइन क्लासेस में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है लेकिन फिजिकल क्लासेस में समझना उतना ही आसान हो जाता है। बच्चों का ये कहना कि एक और छात्र हमारे साथ में इनसे बात करते हैं, बताइए कि आज आपका स्कूल खुला है, काफी दिनों बाद स्कूल आए, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस तरीके का अंतर होता है फिजिकल क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कम समझ में आता है और ऑफलाइन में काफी अच्छे समझ में आता है। ये बताइए, जो भी नॉर्म्स हैं, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आप लोगों को सब कर रहे हैं? यस, हम लोग सब कर रहे हैं, मास्क भी और सैनिटाइजर भी सब कुछ कर रहे हैं। तो मास्क, सैनिटाइजर और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लासेस का संचालन शुरू हो गया है और 9वीं से 12वीं तक के भी फिलहाल ये क्लासेस हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड के मामले कम हो रहे हैं तो आने वाले समय में और क्लासेस भी है, जो नीचे के बच्चे हैं उनके क्लासेस भी खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादातर प्रोत्साहित भी हैं और ये बेहतर भी है कि फिजिकली बच्चे पहुंचने लगे। हालांकि स्कूल्स को गाइडलाइंस का पूरा पूरा पालन करना होगा। सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।